अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मैक्रोनी बनाना सिखा रहे हैं। इसके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट की गई थी। चीज़ें आपको दिखा देते हैं। हमने मैक्रोनी ली है 300 ग्राम। आप कोई भी शेप मैक्रोनी का ले सकते हैं। 300 ग्राम चिकन बोनलेस क्यूब में कटी हुई, एक अदद छोटी कटी हुई सुरख शिमला मिर्च, एक अदद छोटी कटी हुई सब्ज शिमला मिर्च, एक अदद बारीक कटा हुआ प्याज, 1/4 कप बारीक कटी हुई गाजर, एक अदद बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1/4 कप टोमेटो केचप, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, 1 चाय का चम्मच सिरका, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1/2 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची, नमक हसबे जायका। नमक और मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर लें। मैक्रोनी को बॉईल करने के लिए हमने पानी को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे, 2 चम्मच ऑयल मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैक्रोनी डाल देंगे। सात से आठ मिनट तक मैक्रोनी को बॉईल करके निकाल लेंगे। यहाँ हमने 2 टेबलस्पून ऑयल को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। लहसुन और अदरक को हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे और चिकन को इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। चिकन को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें लाल मिर्ची का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, टमाटर, सिरका और सोया सॉस डालकर मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया है। अब हम इसको 4 से 5 मिनट तक कवर करके पका लेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। चिकन कुक हो गई है। अब हम इसमें बारीक कटी हुई गाजर और टमाटो केचप डालकर 1 मिनट तक पका लेंगे। 1 से 2 मिनट तक हमने गाजर को पका लिया है ताकि गाजर हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें सुरख शिमला मिर्च और सब्ज शिमला मिर्च डालकर मिक्स कर लेंगे। सब्जियां आप अपनी पसंद से कोई भी डाल सकते हैं। अब हम इनको तेज़ आंच पर थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें उबली हुई मैक्रोनी डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हल्की आंच पर 1 मिनट तक कवर करके पका लेंगे ताकि मैक्रोनी में सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। 1 मिनट तक हमने मैक्रोनी को दम पे रख दिया था। मैक्रोनी तैयार है। अब हम इसको निकाल लेंगे। मैक्रोनी बिल्कुल तैयार है। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है। इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मैक्रोनी की बनाना सिखाएंगे। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपकी मैक्रोनी कैसी बनी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।